आपके साथ करें या ऑडियंस के साथ करें? मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं? मैं तैयार। देखो आपसे जो सवाल है वो तो जनता से आना चाहिए, जनता के पास आपके लिए बहुत सवाल है। ओके भाई, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग सवाल चाहिए मेरे को हमारी मैम के लिए। किसके पास एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है बताओ? मेरे पास इतने सारे हैं, मैं सोच पा रही हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी मेरी जानकारियां जो है, मेरे को लग रहा है कि आप, मैं पता क्या करने वाली हूँ इस बार, मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। अच्छा चलिए, मैं पहले से जवाब लिख रही हूँ। ओके, सवाल भी बाद में पूछा जाएगा। वो करते ना कभी कभी कि चिट्ठी पहले लिख देते हैं, इंसान बाद में ढूंढते हैं। पर्ची पहले लिख देते हैं। हाँ ठीक है, चिट्ठी पर्ची। मैं कुछ कुछ तो लिख रही हूँ। हाँ दीपिका जी उदयपुर से। चेहरे की स्माइल देखो भाई। अरे आपको देख के तो कोई मिस्टीरियस म्यूजिक ही चला दो भाई। फोटो बना रही है। मैंने ये रख दिया है, मैं इसे हाथ नहीं लगा रही। आप भी हाथ नहीं लगाओगे? कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर आ जाओ आप। देखो अब क्या हो रहा है भाई। अब वील कम टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। क्या आपको सवाल कोई पूछ रहा है? मैं पूछ सकती हूँ, पर अब क्योंकि मैंने जवाब लगाया, आपको लग सकता है कि यार इसको सवाल पता है इसलिए उसने जवाब लिख दिया। सो मैं आप पे लीव करती हूँ कि आपको क्या सवाल पूछना है। क्या क्या मतलब, व्हाट इज हैपनिंग? सवाल पूछा नहीं, आपने उत्तर दे दिया है जी। ये कैसे? हमने ये कोशिश करी है करने की, ठीक है? देखते हैं, तीन चार लोग अपने हाथ ऊंचा करें। आप चूज करो कौन सवाल पूछेगा आपको। नहीं नहीं, आप चूज कीजिए भाई। मैंने तो जवाब लिखा ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके ओके ओके, वैसे मैं सबको पहली बार मिल रही हूँ, मतलब कैन यू आस्क? फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग, आर यू ओके विद द क्वेश्चन? आपके पास ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन बदलना है तो आप अभी किसी और से दूसरा सवाल ले सकते हैं। ना चाहिए तो ले सकते हैं। ना ओके देन, गाना अपने मन में सोचिए। अच्छा मैंने तो लिख दिया है। गाने के पहले दो शब्द क्या है? अच्छा गाना गा भी मैंने सकते सोचा ही नहीं है, अभी सोच लीजिए। बहुत सारे नए गाने आए हुए हैं। नए गाने बहुत, कुछ कुछ गानों का ऑस्कर मिला हुआ है हमारे इंडिया के। पुराने गाने भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप, मैं जो बोल रही हूँ उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावित हो जाए, इसलिए अभी मैं थोड़ी चुप रहूंगी। आप नहीं सोच पाएंगे? मैं नहीं सोच पाऊंगी तो ऐसा सोचो मत ना कि मैं नहीं सोच पाऊंगा। क्यों मुझे फेल करना है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। यू कैन थिंक ऑफ अ सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग। हाँ सोच लिया। हो सकता है कि मुझे वो गाना ना पता हो, तो मैंने कोशिश करी है कुछ लिखने की। Okay. आप ये मत ट्राई करिए कि मैं आसान गाना देती हूँ सुहानी को, या ऐसा गाना देती हूँ जो उसको पता हो, ऐसा मत करिए। नहीं नहीं मैं नहीं कर रही। आप अपना फेवरेट गाना सोचिए, कोई भी गाना सोचिए। जो फेवरेट नहीं, जो रैंडम मेरे मन में आ रहा है मैं रैंडम सोचिए। हाँ। कि आपको लगता है कि फेवरेट मेरे लिए आसान है। कितने कैसे हो तुम लोग, क्या ही टेस्टिंग चल रही है। चलो क्या गाना सोच रहे हो आप बता सकते हो? मैं तो लिख चुकी हूँ। पंछी बनू। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कोई चिट्ठी बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ लिख रही थी। करी पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं दुनिया के समथिंग। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, ये तो पंछी। अरे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बस रैंडम मैंने सोचा। यू वांट चेक व्हाट? आप गाना चेंज कर सकते थे, आप सवाल चेंज करवा सकते थे। क्यों नहीं, मुझे वहीं पे टिकना था। अच्छी बात है, उसी पे टिकना चाहिए आपको, दैट इज व्हाट इट इज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप चेंज करो, इसीलिए साइकोलॉजी में जब भी कोई मुझे बोलता ना चेंज करो, उनको तब तो मैं पक्का नहीं करूंगा, तो मैं नहीं चाहती थी वैसे आप चेंज करो, इसलिए मैंने उस पर टिका रखा। बट आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। क्या नाम है आपका? आर्यन अग्रवाल। आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। फेवरेट सॉन्ग में बाद में बता दूंगी। हाँ, वो भी सोच लो मन में। लेकिन रैंडम जो था, दैट इज ट्रू, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में वॉज द रैंडम थिंग दैट केम टू मी। हाउ डू यू, ये कैसे करती हैं आप? ये जो तमाम लोग बैठे हैं वो अभी भी यही सोच रहे होंगे सुहानी, कि आपकी और मेरी किसी तरह की कोई सेटिंग हुई। करेक्ट। ये जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी है, ये आपने या मैंने चुन चुन के बुलाई और कान में कुछ फूंक दिया है,
विच इज नॉट द केस. अभी वो बात नहीं है, ये सच है. ना हम इनको जानते हैं ना ये हमको जानते हैं, मतलब वो टीवी वाला रिश्ता हो सकता है लेकिन आपस में किसी से कोई बात नहीं हुई. सुहानी से मेरी बात नहीं, सुहानी से ना मेरी सुहानी से बात हुई. मैं एक सिंपल बताती हूँ, ये मेरी कला है. करते हैं आप, अगर मैं किसी को मिलूं और अगर आप मेरे लिए एक्टिंग करो तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है. मैं बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कर चुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटीज के साथ कर, मैं 25 साल से 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ. ऐसा तो नहीं है कि मैं हर देश में जाती हूँ, लोगों को पैसा देती हूँ कि आप मेरे लिए एक्टिंग करो कि मेरा करियर बने. वो पॉसिबल नहीं है. ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ. हमारे देश में ये आर्ट फॉर्म इतना पॉपुलर नहीं है, इसे मेंटलिज्म कहते हैं. ये इतना पॉपुलर होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है. और अगर इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी तो यही आर्ट फॉर्म की ट्रिक्स उठाकर लोग आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का फायदा उठाएंगे. ओके, अब मैं ऑन एयर आपको आई वुड लाइक टू, आप चैलेंज ही कर रहे हो मुझसे. मैं, हाँ, मैं अब ये मेरा कर्तव्य है, करिए, करना जरूरी है. मुझे आप अपने बाल उठाकर बताइए कहीं ईपीटीपी आपने कुछ लगा रखा है. आपकी असिस्टेंट है ना एक पूजा, हाँ, ये उनके इयररिंग्स, उन्होंने मुझे बोला कि आप टीवी पे जा रहे हो तो प्लीज अपने कान में इयररिंग डाल दो, तो मैं उनके उधार लेकर आई हूं. माइक है, ये आप ही का दिया हुआ है. मैं कपड़े मत, थोड़ा फ्रिस्किंग फ्रिस्किंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक. अरे यार ये तो मतलब बेइज्जती. नहीं नहीं बेइज्जती नहीं है, ताकि मेरी उतार दूं, घड़ी भी उतार दूं. नहीं घड़ी, ठीक है ठीक है. फोन भी नहीं है मेरा, मेरे पास अभी. हाँ फोन भी नहीं है. मैं अब रैंडम किसी के पास पहुंचती हूँ. ये जो कर रही हैं इससे आपको क्या लग रहा है? एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं. ये तो चाहते थे, अभी इनका मैं अभी सोच बता दूं क्या सोच रही है. बस ये कि इनके मन में क्या चल रहा है. इनके मन में ये चल रहा है, इनके मन में ये चल रहा था कि मैं खड़ी खड़ी थक गई तो ये अपनी कुर्सी मुझे देना चाहते. सही बात है कि गलत बात है? एक काम करते ना मिश्रा जी. हाँ मैं बता रही हूँ, आप इतना डाउट मत करो. वही सोच रहे हैं. अच्छा, exactly, हाँ. वही सोच रहे हैं वो. मैं एक काम करती हूँ, आप सब लोग रैंडम चीजें सोच लो ना. ठीक है, रैंडम चीजें. ओके, रैंडम चीजें. आपने पता आपका नाम आर्यन है, करेक्ट? आपका इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आपके पास में आप बैठे हो, आपके किसी दोस्त का नाम भी आर्यन है. आप उस बात ये नहीं है कि आपके दोस्त का नाम आर्यन है. इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात यह कि जब इन्होंने आर्यन बोला, आप थोड़ी देर पहले इनसा नाम पूछा गया, इन्होंने बोला मेरा नाम आर्यन है, उसी समय आपने वो सोचा अरे मेरे दोस्त का नाम भी आर्यन है. करेक्ट, वही थॉट उसी समय आपके मन में आया था. yes. मैं उस वक्त बोली नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते, पर वो आर्यन के बारे में सोच रहे थे अपने. तो क्या यहाँ लिखा हुआ आ रहा है? नहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा, वैसे थोड़ा वाइब्रेशन वॉक कर.